जैसा कि दोस्तों जो है कि हमारे साथ में एक चाचा जी हैं, हम यहाँ के मुजावर हैं। अच्छा, ये यहाँ के मुजावर और पुजारी भी हैं ये दरगाह के, और यहाँ के बारे में आप कुछ बताएंगे हमको? हाँ बिल्कुल, जो जानना चाहते हैं महल के बारे में और ये दरगाह के बारे में। दरगाह तो आपकी मज़ार बहुत पुरानी है। अच्छा, जिस वक्त वहाँ अजमेर में राजस्थान में आप ख्वाजा गरीब नमाज आए उसी समय से आप भी यहाँ। अच्छा, तशरीफ लाए। ये माना जाता है कि छठी सदी का ये बना हुआ है। जी हाँ, जो जी है कि राजा चेत सिंह का महल। जी, छठी सदी का बना हुआ है राजा चेत सिंह का महल। जी हाँ, और ये मजार जो है कि कब की है बता सकते हैं आप? जी हाँ, वो राजा चेत के पिताजी वगैरह थे तब का है ये मजार। माने छठी सदी के पहले का ही जी है? जी हाँ, जब यहाँ बताते हैं लास्ट राजा चेत सिंह थे। अच्छा, उनके पहले उनके पिताजी दादा वगैरह रहे, उन लोगों के जमाने का ही मजार है। माने उन्हीं के जमाने का यह मजार बना हुआ है। जी हाँ। ये बाबा यहाँ रहते थे। जी इनका नाम बता सकते हैं आप? जी हाँ, सैयद मीरान शाह है। सैयद मीरान शाह, सैयद मीरान साहब के नाम से यहाँ जाना जाता है। और चलिए हम चलते हैं अब चनकांता महल की तरफ, आपको ले पहले चलते अंदर हैं। आस्ताने में देख लीजिए, अगर आस्ताने में जाना चाहते हैं तो आप चल के वहाँ टेकअप कर लीजिए 2 मिनट। देखिए, जैसा कि मैं मजार के द्वार की तरफ चला आया हूँ, अब चलते हैं अंदर की तरफ, आपको दिखाते हैं। मजार का वही गद्दी नसीनों का नाम है पड़ा हुआ, मोबाइल नंबर और नाम वो उसको ले लिए हैं। चलिए जो है कि अंदर चलते हैं। ठीक। हाँ, जैसा कि यहाँ का मान्यता आप कुछ बताएंगे कि यहाँ लोग किस लिए आते हैं और क्या जो है कि यहाँ का मान्यता है? इसलिए आते हैं कि यहाँ बाबा के यहाँ सारे लोगों की मन्नत पूरा होती है, जो लोग मान के चलते हैं या कह के चलते हैं। किसी के ऊपर गलत सया भी होती है तो बाबा उनको हटा देते हैं। अच्छा, जैसा कि ये बता रहे हैं कि यहाँ बाबा के यहाँ मानता भी मानते हैं लोग, और जब उनका पूरा हो जाता है जो भी माने रहते हैं यहाँ पे आके दर्शन, और जो है कि यहाँ पे जो मजार पे जियारत भी करते हैं, और जो आप लोग बताते नहीं हैं लोग आसेब, जैसे भूत शैतान, जैसे भूत शैतान जिसके ऊपर सर के ऊपर होता है, और वो भी दरगाह यहाँ दरगाह पे आके जो है कि बाबा जला देते हैं और ख़त्म कर देते हैं और रोगी सही हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बाबा का जो है कि ज़ियारत करते करते एक इनके मौलवी हैं और इनको रोना भी आ रहा है, और उनके ऊपर शायद बाबा का ही जो है कि सवारी है। बाबा की सवारी नहीं, उनके ऊपर किसी का सया है। अच्छा, इनके ऊपर किसी का सया है, जैसे कि शैतानों का सया है, और बाबा के यहाँ आए हैं जो है कि दरबार में मत्था टेकने। और मैं यहाँ का पुजारी हूँ। ये देखिए, बाबा यहाँ के पुजारी हैं, और मैं आपसे मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हमको यहाँ की जानकारी हुई। तो चलिए अब चलते हैं जो है कि बाबा के दरबार से आगे की तरफ, दूसरी छोर की तरफ, जो चंद्रकांता का किला बता रहे हैं उनकी तरफ भी हम चलते हैं। जैसा कि देखिए दोस्तों, यहाँ जो दरगाह बनी हुई है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब से, कब का बना हुआ है दरगाह? तो बाद में बना जब यहाँ से राजा चले गए तो। अच्छा, इनका मानना है कि दरगाह यहाँ पे बाद में बना, और जब राजा यहाँ से चले गए, जैसे कि ब्रिटिश सरकार जो है कि इनके ऊपर आक्रमण की। अच्छा, ब्रिटिश सरकार जब इनके ऊपर आक्रमण की चले गए, उसमें बाबा जो जिनका मजार है, वो मजार नहीं थी, वो थे यहाँ उनके अंगरक्षक या उनके कोई कर्मचारी। अच्छा, राजा चेत सिंह के अंगरक्षक रहे हैं और यहीं पे शहीद हो गए, जो कि उनका मजार यहाँ पे बना दिया गया। लेकिन हम अभी पूछे हैं मजार में, वहाँ के जो है कि अनुयायी थे, तो वो बोले कि ये छठी सदी के पहले का है, तो मैं मान्यता क्या रखूं? और एक मंदिर भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं, दिखाएंगे आपको। और ये देखिए, आपके पीछे जो है कि हम दिखाना चाहते हैं, देखिए ये किनका वो है मंदिर है? भोलेनाथ का। ये भोलेनाथ का मंदिर है, इसको बाद में बनाया गया है, क्योंकि पत्थर का है नहीं। नहीं, ये बाद में बनाया गया है। ये देखिए, ये भोलेनाथ का मंदिर बता रहे हैं लोग यहाँ के लोग, ये भी बाद में बना गया है, जो कि पत्थर का नहीं बना हुआ है।
आप तो मैं यहाँ की सबसे प्राचीन मूर्ति अगर सही है तो वहाँ नीचे जब गेट पे उतरेंगे तो आप गणेश जी की मूर्ति है। अच्छा, झाड़ी में। जैसा कि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, एक जो है कि सुझाव देना चाहता हूँ सरकार को, कि जैसे कि राम जन्मभूमि के चक्कर में आज जो है कि इतना मुकदमा चल रहा है, आज विजयगढ़ के किले के किला भी वही हाल होगा जब सरकार जो है कि ध्यान नहीं देगी, कहीं जो है कि कहीं मजार के जो है कि इतिहास को देखेंगे, जैसे कि हमको वहाँ बताया गया कि 6वीं सदी में बना हुआ किला है, उसके पहले का ये किला बना हुआ ये मजार है, और उसी तरह जो है कि एक तरफ जो है कि शिव का मंदिर बना हुआ है, और ये हिंदू लोग भी कहेंगे कि ये जो है कि पहले का बना हुआ है, 6वीं नहीं 5वीं सदी का है, जो है कि 4वीं सदी का है। तो ऐसा ना हो कि राम मंदिर की तरह यहाँ पर भी जो है कि मंदिर और मस्जिद का जो है कि लड़ाई हो, इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा और आग्रह करूँगा और जनता से आग्रह करूँगा कि ये जो है कि इसके बारे में सोचे और इसका जो है कि कुछ हल निकाले, और ताकि आने वाले समय में ये लड़ाई न हो कि यहाँ पे पहले जो है कि मजार था और हिंदू बोले कि यहाँ मंदिर थी। तो दोस्तों चलते हैं, आप लोगों को ले चलते हैं कुछ और दिखाने के लिए आगे, जो है कि एक जो है कि तालाब है, वहाँ पे एक बाबा भी रहते हैं, उनसे भी पूछेंगे हम। जैसा कि आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आने वाले समय में जैसे कि यहाँ के मान्यता है कि ये लोग बताते हैं कि 6वीं सदी के पहले का ये मजार बना हुआ है, और नहीं आने वाले समय में आप क्या कह सकते हैं कुछ अनहोनी के चक्कर? ये तो निश्चित है क्या कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का एक विवाद खड़ा होगा। आज दिन होता तो नहीं, आज ही से अगर कुछ निपटा दिया जाए ठीक है, नहीं तो भविष्य में तो यह बाबरी मस्जिद की ही हाल होगी। इनका मानना है कि अगर इसका निस्तारण हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो आने वाले समय में वही बाबरी मस्जिद का जो है कि जैसे चल रहा है उसी तरह से लड़ाई भी हो सकती है। और मैं ज़्यादा न कहते हुए और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना आए कि एक समुदाय दूसरे समुदाय में जो है कि लड़ाई छिड़े, और सब अमल से रहें और प्यार से रहें और जैसे लोग रहते हैं। धर्म किसी का ख़राब नहीं होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और लेकिन जो है कि आए दिन दुर्घटना होती रहती है। देखिए ऐसी दुर्घटना न होने पाए इनका मानना है, ये यहाँ के लोकल के रहने वाले हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ आगे, यहाँ पे साथ जो है कि तालाब है और तिलस्मी तालाब है, बताते हैं, और मैं उसके बारे में भी जानकारी लेना चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं आपको लेकर के।